महिला सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे हैं कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी, कांग्रेस के पास अवसर था लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल लाकर के उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला शाबानों का, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर दिया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है, हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव को, इसको किसी ने संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विशेषकर से एक बात, जो उस समय साहबानों का जब चल रहा था उस सारे कारोबार में जो एक मंत्री थे उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है चौंकाने वाली है, मेरे पास उसका सत्यापन करने के लिए कोई अवसर नहीं, मैंने जो सुना है वो मैं बताता हूं। उन्होंने उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थी वो उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है जब वो शाबानों का मसला चल रहा था तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। देखिए गंभीर बात है, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वॉन्ट टू लाई इन द गटर लेट देम बी।